हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्रेजी बर्ड्स एंड एनिमल्स। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बर्ड फ्लू क्या है, यह कितना डेंजरस है बर्ड्स के लिए, जानवरों के लिए और इंसानों के लिए, और कैसे हम अपने पेट बर्ड की सुरक्षा कर सकते हैं बर्ड फ्लू होने से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलें। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जो बर्ड्स के थ्रू फैलता है। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा गया है। इंडिया के कुछ पार्ट जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरला में अधिक संख्या में डेड बर्ड्स पाए गए हैं। जब इनकी सैंपल की जांच हुई तब पता चला बर्ड्स की मौत बर्ड फ्लू के वजह से हो रही है। बर्ड फ्लू के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं और इस बार का बर्ड फ्लू स्ट्रेन H5N8 है, जो कि इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बर्ड फ्लू फैल रहा है माइग्रेटरी बर्ड्स के वजह से, विदेशों से बर्ड्स उड़कर आए हैं। जब विदेश में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तब बर्ड्स उड़कर गर्म जगहों में आ जाते हैं। जब फॉरेन बर्ड्स डोमेस्टिक बर्ड्स के संपर्क में आते हैं या कांटेक्ट में आते हैं तब यह इन्फ्लुएंजा सारे बर्ड्स में फैलता है और एक ही साथ अधिक संख्या में बर्ड्स की मौत हो जाती है। जब भी बर्ड फ्लू के केसेस आए हैं तब वैसे बर्ड्स जिनकी वजह से इन्फ्लुएंजा फैल रहा है वैसे बर्ड्स को कल्ड कर दिया जाता है। कल्ड का मतलब है मार दिया जाता है, मार कर दफना दिया जाता है ताकि बर्ड फ्लू को रोक सके। बर्ड फ्लू बर्ड से दूसरे बर्ड, जानवरों और इंसानों में ट्रांसफ़र हो सकता है अगर इन लोगों की कॉन्टैक्ट इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ हुई है तो। बर्ड फ्लू इंसानों से इंसानों तक नहीं ट्रांसफ़र होता है। बर्ड फ्लू इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है पर गलती से हो जाए तो उस इंसान की मॉर्टेलिटी रेट हाई हो जाएगी। प्रॉब्लम होगी पोल्ट्री वर्कर को, बर्ड्स एनिमल्स का शिकार करने वालों को और जो मीट वगैरह साफ करते हैं या बेचते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत सारे बर्ड्स के कांटेक्ट में आते हैं और ऊपर से फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है क्योंकि बहुत सारे जगहों के पोल्ट्री फार्म में हजारों संख्या में बर्ड्स को कल्ड कर दिया गया है। अब बात करते हैं जिन्होंने अपने घरों में बर्ड पाल रखा है क्या उनको भी बर्ड फ्लू हो सकते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, कुछ बातों का ध्यान रखिए जैसे कि अपने बर्ड को खुले में ना छोड़े, दूसरे बर्ड्स के कांटेक्ट में आने मत दीजिए, ध्यान रखिए बाहर वाले बर्ड्स से फूड शेयरिंग ना हो, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, पॉटी को टाइम टाइम पे साफ कर दीजिए। पेट बर्ड के साथ आप अपना भी सुरक्षा कर सकते हैं। अगर आप बाहर के बर्ड्स को दाना देते हैं तो कुछ दिनों के लिए ना दें, कोई भी डेड बर्ड्स या एनिमल्स के सामने ना जाए, घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनिए। अब बात करते हैं क्या इंसान नॉनवेज खा सकता है या नहीं बर्ड फ्लू के वक्त। अगर हो सके तो कुछ दिन परहेज़ कीजिए, फिर भी आपको खानी है तो कच्चा या आधा पका हुआ ना खाए, पूरा अच्छी तरह से पकाए, चाहे वह अंडा हो या मीट या चिकन, क्योंकि 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वायरस मर जाता है। बर्ड फ्लू के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बर्ड्स में और इंसानों में। पहले बात करते हैं बर्ड्स के सिम्टम्स। बर्ड्स के नाक से पानी निकलेगा, बर्ड्स के पंजे नीले रंग के होने लगेंगे, फेदर्स में डिसकलरेशन आ जाएगा, कुछ पर्पल कलर जैसी हो सकती है और हो सकता है बर्ड्स लड़खड़ाने लगेगा। अब बात करते हैं इंसानों में क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सर्दी, जुकाम, गले में दर्द, फीवर, पूरे शरीर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, डायरिया, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। मैं आशा करती हूँ यह जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करके बताइए कैसा लगा यह वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी है क्रेजी बर्ड्स एंड एनिमल्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।